हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। आज हम ये वीडियो में देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड गोनियो डॉट एच एंड इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास नेम में टेस्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे एक इंटीजर ए ले लेते हैं, प्राइवेट मेंबर वेरिएबल एंड पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक इंटीजर वेरिएबल बी ले लेते हैं और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे टेस्ट। तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, पर ये अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ हम एक आर्गुमेंट देंगे, वो आर्गुमेंट यहाँ पे पास होंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर हो जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जो भी हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो आर्गुमेंट यहाँ पे आएगा। तो हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे, एक आर्गुमेंट इंटीजर एक्स में पास होगा और एक आर्गुमेंट इंटीजर वाई में पास होगा। ये हो जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब जो भी आर्गुमेंट हमने पास किए हैं वो वेरिएबल ए और बी में हम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स की वैल्यू ए वेरिएबल के अंदर असाइन होगी, के अंदर हम वाई की वैल्यू असाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू वाई। अब एक डिस्प्ले फंक्शन बना देते हैं जो ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बनाया, डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले करेगा ए और बी की वैल्यू। तो ए इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ए लिख देते हैं एंड थोड़ी स्पेस छोड़ के बी इज इक्वल टू बी वेरिएबल प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे हम क्लास को फिनिश करते हैं, नीचे void main फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के अंदर हम पहले क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को CLR SCR फंक्शन से। उसके बाद टेस्ट T1 ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पैरामीटर पास करते हैं 10, 20। तो ये जो 10 है वो वेरिएबल x में पास होगा यहाँ पे, और 20 जो वैल्यू है वो इंटीजर y में आएगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। और ये x की वैल्यू a में असाइन होगी और y की वैल्यू b में असाइन होगी। तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा विथ आर्ग्यूमेंट और फिर उसको हमें प्रिंट करना है। तो हम यूज़ करेंगे t1.display फंक्शन। नीचे गेट कैरेक्टर फंक्शन यूज़ कर देते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। तो आप देख सकते हो 10 और 20 वैल्यू हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके इनिशलाइज किया। ऐसे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हो। अब मुझे कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है, टेस्ट T2 ऑब्जेक्ट बनाना है और उस टाइम पे मुझे 50 एंड 60 वैल्यू पास करनी है। तो 50, 60 में वैल्यू लिखूँगा। एक और ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है T3 और उसमें 100 और 200 वैल्यू पास करना है और फिर उसको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे T2.display कराएंगे एंड T3.display करवा देंगे। यहाँ पे मैं एक स्लैश एन यूज कर देता हूँ सी आउट, ताकि फॉर्मेट में आउटपुट आए। कंपाइल करके रन करते हैं तो जो 10 एंड 20 वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो T1 ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हमने 10 और 20 वैल्यू इनिशियलाइज किया। फिर 50 एंड 60 जो वैल्यू है वो T2 ऑब्जेक्ट ने कंस्ट्रक्टर को कॉल करके 50 एंड 60 वैल्यू ए एंड बी वेरिएबल में इनिशियलाइज किया एंड 100 एंड 200 वैल्यू
ऑब्जेक्ट थ्री जब क्रिएट होगा उसी टाइम पे हमने यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट दिया था, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर थ्रू हमने ऑब्जेक्ट थ्री के लिए ए एंड बी वैल्यू को इनिशियलाइज किया था। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू हमें इनिशियलाइज करना है, तो हम यूज करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है C++ के कोई भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा।